हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, टीवी रिपेयरिंग काम करने के लिए कुछ सेटअप आपको ठीक ठाक करना पड़ेगा, क्योंकि टेबल ठीक ठाक होना चाहिए, टेबल का पास जो इलेक्ट्रिक सप्लाई वो भी ठीक ठाक होना चाहिए, और उसका साथ जो सोल्डरिंग आयरन होता है, सोल्डर होता है, इसका भी अच्छा सा क्वालिटी होना चाहिए, मीटर भी अच्छा सा क्वालिटी चाहिए। तो इसी तरह बहुत कुछ सेटअप आपको ठीक ठाक करना पड़ेगा। तो इसी तरह आज एक छोटा सा क्या बताऊंगा, छोटा सा सेंसर कनेक्शन पॉइंट आपको रेडी करके रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये इस तरह आप रेडी करके रखेगा तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो किस तरह ये मैं सेटअप रेडी करके रखा है और ये किस तरह काम पर आता है, आपको ये वीडियो के अंदर देखूंगा। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होगा मेरे न्यू टेक्नीशियन को, ठीक है? तो चलिए, मैं बिना टाइम वेस्टेज नहीं करना चाहता हूँ, वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरा पास ये चाइना किट रिपेयर करने के लिए आया, लेके आया एक दोस्त। तो कुछ भी सीआरटी पीसीबी हो सकता है, ठीक है? कुछ भी सीआरटी पीसीबी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि जो बोर्ड लेके आता है बहुत टेक्नीशियन, कि उसका साथ सेंसर नहीं लेके आता है, ठीक है? जो सेंसर आयर सेंसर होता है, देखिए ये पीसीबी के अंदर सेंसर नहीं है, ये सब ओपन करके लेके आप देखिए, ये सब ओपन करके लेके आ। बट ये पोजीशन देखिए, स्पीकर कनेक्टिंग का पॉइंट है, ये की का कनेक्टिंग पॉइंट है, और यहाँ पर देखिए एक सॉकेट है, ठीक है? तो सेम तरह सॉकेट और सेंसर आपका पास नहीं है, तो इसका कनेक्शन नहीं है, तो आप छोटा सा एक जुगाड़ बना सकते हो। दोस्तों देखिए, मेरा पास ये छोटा सा एक जुगाड़ है, पुराना पीसीबी से लेके मैं ये बनाया। तो इस किस तरह कनेक्शन करके आप कुछ भी पीसीबी टेस्ट कर सकते हो, तो आपको बताना चाहता हूँ वीडियो के अंदर, और प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? तो चलिए, पीसीबी को एक बार घुमा लेता हूँ, और घुमाने के बाद आपको अच्छा तरीके से मैं दिखाता हूँ। देखिए, आप घर पर खुद ही ये बना सकते हो, और बहुत पीसीबी आपके पास कुछ भी पीसीबी रिपेयर करने के लिए आएगा, तो आप आसानी से रिमोट को सपोर्ट करा सकते हो। मतलब आपके पास रिमोट है तो, और रिमोट है पीसीबी का रिमोट है, तो इसी तरह एक सेंसर लगा के आप सेट कर सकते हो। देखिए, आपको फर्स्ट ये पोजीशन को ध्यान रखना पड़ेगा। ये पोजीशन का देखिए चारों पॉइंट है, ठीक है? 1 2 3 4, ये चारों पॉइंट है, ठीक है? एक 5 वोल्ट का, और एक आयर का, और एक ग्राउंड का मेनली, और चारों पॉइंट जो देखा जाता है, तो दोस्तों वो एलईडी सप्लाई भी हो सकता है, ठीक है? तो आपको मेन तीनों पॉइंट को ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर तीनों पॉइंट को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? कि एक आयर पॉइंट, और एक 5 वोल्ट का, और एक ग्राउंड का, ठीक है? तो कौन सा 5 वोल्ट, कौन सा आयर, कौन सा ग्राउंड, ये आप आसानी से टेस्ट कर सकते हो किसी तरह। चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसीलिए एक मीटर लेना पड़ेगा। देखिए, मीटर को मैं आप 20 वोल्ट रेंज पर रख सकते हो, ठीक है? और चलिए, मैं सप्लाई देके आपको दिखाता हूँ। देखिए देखिए, मैं सप्लाई दे दिया, और सप्लाई देने के बाद आपको, चलिए मैं 200 DC रेंज पर रख के दिखाता हूँ। एक पिन पर आपको वोल्टेज टेस्ट करना पड़ेगा। देखिए, ये पिन पर कितना वोल्ट है, 1.3 वोल्ट के आसपास, और उसके बाद आर एक पिन पर कितना वोल्ट है, ये पिन पर दोस्तों देखिए 5 वोल्ट, मतलब ये 5 वोल्ट सप्लाई का पॉइंट है। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर भी कुछ वोल्ट शो हो रहा है, तो कोई बात नहीं, हो सकता है ये नेगेटिव। और दोस्तों चलिए, उसका बाद ये पिन पर एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। दोस्तों ये पिन पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, तो हो सकता है ये नेगेटिव, ठीक है? तो ये नेगेटिव का साथ, और ये जो पीसीबी का ये जो चौड़ा वाला पिन होता है, ठीक है, और ये स्टिकर जो नेगेटिव पिन होता है, एक बार क्वांटिटी आप चेक करके देखेगा तो नेगेटिव आपको आसानी से पता चल जाएगा। मेनली आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पिन 5 वोल्ट का, ठीक है, ये पिन 5 वोल्ट का, और ये आयर का। तो चलिए, आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ किसी तरह। ये जो मैं बनाया सब कुछ आपको क्लियर करूँगा। देखिए, ये पोजीशन का आप अच्छा करके ध्यान दीजिए। ये जो चारों पॉइंट में बनाया, चारों कलर वायर लेके, ये कलर के ऊपर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हर टाइम ये देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि देखिए रेड पॉइंट ये सप्लाई के लिए जो 5 वोल्ट होता है, और ये ग्रीन आयर का, और ये ब्लैक वाला ये नेगेटिव का, ठीक है? तो चलिए, फर्स्ट टाइम सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद ये आयर जो पॉइंट है, ये आयर पॉइंट पर सेंसर लगाता हूँ, क्या है, ऑरेंज कलर, सॉरी ग्रीन कलर। और इसके बाद जो 5 वोल्ट पॉइंट है, ये रेड 5 वोल्ट के लिए मैं लाइन करके रखा है। तो देखिए, यहाँ पर मैं 5 वोल्ट कनेक्शन किया, और उसके बाद ये नेगेटिव
ठीक है, ये लास्ट वाला पिन ये नेगेटिव। अब मीटर से क्वांटिटी किस तरह टेस्ट कर सकते हो कि देखिए ये जो मीटर है, मीटर को क्वांटिटी मोड पर रखना पड़ेगा, ठीक है, और बार्जर मोड पर, बार्जर रेंज पर रख सकते हो। देखिए क्वांटिटी मोड पर रखने के बाद देखिए बार्जर बज रहा है, और उसके बाद ये पिन का साथ कुछ भी जो नेगेटिव पॉइंट होता है, अब अच्छा करके देखिए, मान लो ये नेगेटिव पॉइंट है, देखिए ये बाजर बाज रहा है, ठीक है, ई एस टी का नेगेटिव पिन देखिए, देखिए, और इसके बाद ये पिन देखिए नेगेटिव का साथ ये कनेक्शन नहीं है, मतलब ये पिन आप देखिए ये साइड पिन नेगेटिव कनेक्शन नहीं है, ये लास्ट पिन नेगेटिव है। तो चलिए ये नेगेटिव का साथ मैं कनेक्शन कर देता हूँ। तो दोस्तों ये सेंसर काम करेगा, ठीक है। तो देखिए ये मैं फर्स्ट टाइम, आप पूरा देखिए, पूरा वीडियो पूरा वॉच कीजिए, मीटर को मैं देखिए फिर 200 डीसी रेंज पर सिलेक्ट किया, और चलिए मैं सप्लाई देके आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों सप्लाई दे दिया, इसका इंडिकेटर ऑन हो गया, ठीक है, और रिमोट लेके आपको दिखाता हूँ। देखिए टीवी अभी ऑन है, ठीक है, और इसका देखिए मैं मेनू बटन दबाता हूँ, मेनू बटन दबाया, अब स्क्रीन पर देखिए इसका मेनू चार्ट आ गया, ठीक है। तो चलिए फिर भी मैंने बटन दबाता हूँ, देखिए ये मूव कर रहा है, देखिए ये मेनू बटन दबाने के बाद ये सब चेंज हो जाता है, अब अच्छा करके देखिए, ठीक है। तो चलिए ये पोजीशन का आपको इसी टाइम और जो दिखाना चाहता हूँ कि देखिए सेंसर लगाने का पहले अलग जो 1 पॉइंट कुछ समथिंग वोल्टेज दिखाया, बट अभी तो सेंसर लगाया, और सेंसर लगाने के बाद यह आईआर पॉइंट पर ये जो ग्रीन वाला पॉइंट है यह पर थोड़ा वोल्टेज बढ़ जाता है, देखिए 4.89 वोल्ट का ये हो गया, और इसका मिडिल पिन 5 वोल्ट ये कंटिन्यू कांस्टेंट होगा, ठीक है, और ये तो नेगेटिव है। तो चलिए आपको इसी टाइम मैं सप्लाई ऑफ करके दिखाना चाहता हूँ कि देखिए इसी तरह सेंसर आपको लेना पड़ेगा, सेंसर का मिडिल पिन ये नेगेटिव होता है हर टाइम, ठीक है, सेंसर का मिडिल पिन यह हर टाइम नेगेटिव ही होता है। तो ये मिडिल पिन का साथ इसका ब्लैक वायर कनेक्शन किया, और ये जो ग्रीन वायर है, आप अच्छा करके देखिए, मैं उल्टा करके दिखाता हूँ, ये जो ग्रीन वायर, ये जो ग्रीन वायर आप अच्छा करके देखिए, ये जो मिडिल ग्रीन वायर मैं कनेक्शन किया, ये ग्रीन वायर देखिए किधर चलाया, देखिए ग्रीन वायर इधर से ये पॉइंट पर आईआर सेंसर का, मतलब ये लेफ्ट साइड ये आईआर का पॉइंट है, ठीक है, और इसका राइट साइड ये 5 वोल्ट सप्लाई का। तो इसी तरह ओनली एक सेंसर कनेक्शन करके भी आप रख सकते हो आसानी से इसी तरह रिपेयरिंग करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर ना है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों एलईडी कनेक्शन करना चाहता हो तो 5 वोल्ट लाइन से एक, देखिए 5 वोल्ट लाइन से 2.2 का एक रेजिस्टेंस आपको यूज़ करना पड़ेगा, और आप एलईडी का एक पॉइंट ये नेगेटिव के साथ कनेक्शन करना पड़ेगा, तो एलईडी ऑन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सिंपल सा तरीका है यार, ये आप बना के रखेगा तो, ठीक है, और क्या बताऊँगा आपको, बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू दोस्तों।